बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज जो हमने पढ़ना है बायोलॉजी पार्ट टू लेक्चर नंबर टू, जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर रिलेशन ऑफ सेल्स एंड बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी एंड देन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। वन बाई वन हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, जो मेंटेन करती है वाटर एंड सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को विद इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करती है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। देन हमने देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन की हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर रिलेशन ऑफ सेल के साथ वाटर का रिलेशन क्या है। एक तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट है, देन होम्योस्टेसिस को मेंटेन। सॉल्वेंट मीन के वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट एंड सल्यूट्स इसमें डिजोल्व हो रहे हैं। और सेकंड क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस में वाटर हेल्प आउट करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब हमने जो देखने हैं टॉपिक वो क्या है, हमारे पास बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट्स को किस तरह से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। अब हमने जब भी हम किसी बॉडी की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी क्या है, उनका एनवायरनमेंट होता है, उनकी अपनी सराउंडिंग होती हैं और उनकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। तो सेल्स को क्या है, उनके सेल्स जो हैं मुख्तलिफ तरह के, उनको एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स सेल्स जो हैं ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं और समटाइम्स सेल्स कम कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूट वाले सॉल्यूशंस में मौजूद होते हैं। तो हमने जो इनके सॉल्यूशंस के लिए टर्म इस्तेमाल करनी है वो थ्री टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइपोटोनिक। हाइपो का मीन बेसिकली यहाँ पे क्या है, लेस। टोनिक का मीन होता है सॉल्यूट्स या सॉल्ट्स। असल मीन इसका सॉल्ट्स है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूट्स की, कि लेस सॉल्यूट्स वाले सॉल्यूशंस क्या हैं वो कहलाते हैं हाइपोटोनिक, और लेस सॉल्यूट्स वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइल्यूटेड। और इसमें मोर वाटर है, मतलब कि मोर वाटर का मीन सॉल्यूट्स कम है, वाटर ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मीन होता है सेम, टोनिक का मीन सॉल्यूट्स, मतलब इसमें सॉल्यूट्स सेम हैं, वाटर सेम है, सॉल्वेंट सेम है। थर्ड हम बात करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपर का मीन है मोर, टोनिक का मीन सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, वाटर कम है, सॉल्वेंट कम है, और ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अब अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें इन तीनों सॉल्यूशंस को, तो सबसे पहले हमने देखा आई हैव 10% सॉल्यूशन। अब इसमें हमने बात की थी कि हाइपो में सॉल्यूट्स कम है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सॉल्यूशन 10% तैयार किया, उसमें 2% हमने सॉल्यूट ले लिए, मतलब सॉल्यूट कम लिए, और 8% हमने वाटर लिया। वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ, हाइपोटोनिक या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर हम नेक्स्ट देखें आइसोटोनिक में, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम हैं, तो इसमें क्या हुआ, 5% सॉल्यूट लिए, 5% इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन वाटर। नेक्स्ट हमने देखा हाइपोटोनिक में हाइपर का मीन मोर था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हाइपर में क्या सॉल्यूट्स ज़्यादा लिए, 6% सपोज वैल्यू ले ली, 4% हमने सॉल्वेंट ले लिया। इस तरह से हमने कुछ सॉल्यूशंस तैयार किए। अब हमने देखना है कि सेल को अगर कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमने पहले बात की कि एक बर्तन लिया जिसमें हम सॉल्यूशन ले रहे हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, सेल की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों आपस में बराबर मैच कर रही है, ये ना तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या ना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो इसमें हमने सॉल्यूशन लिया आइसोटोनिक, सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसमें वाटर की मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो है वो क्या है, चेंज नहीं हुई, नेट मूवमेंट ज़ीरो ही रही। डिफरेंट सॉल्ट्स के अंदर जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की है वो भी सेम रही। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन दोनों आपस में बराबर मैच कर रही है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। नेक्स्ट अगर हम इसी बर्तन में अगर हम नॉर्मली
रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपर का मीन होता है मोर सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स, ज़्यादा सॉल्यूट्स वाले, ज़्यादा नमकियात है वहाँ पे। तो अगर हमने ऐसे बर्तन में क्या लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वहाँ पे नॉर्मल सेल्स है, अब बाहर जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ज़्यादा नमकियात है, ज़्यादा वहाँ पे नमकियात है, तो अंदर क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अब हमने देखना है कि पानी किस तरह से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करेगा। तो हमने ये देखी जहाँ पे नमकियात ज़्यादा हो, ये हमने पहले भी चैप्टर 14 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जहाँ पे नमकियात ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है, वाटर पोटेंशियल वहाँ पे लो है, तो वाटर ने क्या किया, अंदर से बाहर मूव किया ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो जब सारा पानी क्या हुआ, अंदर से बाहर आ गया, तो अंदर सेल क्या श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, तो इसमें क्या हुआ, सेल की शेप चेंज होगी, सेल श्रिंकेज हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को सेल श्रिंकेज हो जाए उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसी तरह हमने इसमें नॉर्मल सेल किस में बर्तन में रखा, जिसमें हम सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मीन है लेस सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स, तो ऐसा सॉल्यूशन हमने लिया, तो इसमें वाटर पोटेंशियल, इसमें नमकियात क्या थे, हाइपो का मीन लेस है, यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है कि नमकियात कम है, और उसके वाटर पोटेंशियल, जब नमकियात कम हो तो वाटर पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जब इसमें क्या हुआ कि वाटर पोटेंशियल कम ज़्यादा है और उसमें सॉल्ट्स कम है, तो इसमें वाटर सारा क्या होगा, बाहर से अंदर मूव करेगा, बाहर से अंदर मूव करेगा, और अंदर जाके क्या है, ज़्यादा वाटर अंदर चला गया तो वहाँ पे क्या होगी कि सेल टर्जिट हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, चारों तरफ से वह पानी अंदर जाएगा और सेल टर्जिट होगा। इसी तरह हाइपो और हाइपर में सेल शेप चेंज हुई, श्रिंकेज हुई या टर्जिट हुआ, लेकिन आइसोटोनिक में सेल की शेप चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में भी ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। प्लांट्स में ये नहीं है कि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत नहीं है, दे आल्सो नीड वाटर फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ, फॉर फोटोसिंथेसिस, मेकिंग देयर फूड, लेकिन ये प्लांट्स वाटर लेते कहाँ से है, ये अब्जॉर्ब करते हैं रूट से, रूट्स के ज़रिए कहाँ से, सॉइल से, वाटर को कहाँ से ले रहे हैं, रूट के ज़रिए से, फ्रॉम सॉइल। अगर हम एक डायग्राम के ज़रिए देखें तो किस तरह से वाटर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक प्लांट है, उसके नीचे क्या है, रूट हेयर्स हैं, तो प्लांट वाटर कहाँ से, प्लांट्स क्या करते हैं, इन रूट हेयर्स के ज़रिए से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। अब प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू थ्री ग्रुप्स, किसकी बेस पे डिपेंड करता है, वाटर या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे, कि उसको प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू थ्री ग्रुप्स। नेक्स्ट हमने बात की कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू थ्री ग्रुप्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड देन ज़ीरोफाइट्स। अब हमने देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, लिटरली मीन या लैटिन वर्ड है, हाइड्रो का मीन होता है वाटर, फाइट्स का मीन है प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, वाटर एनवायरनमेंट में रहते हों, इट कैन बी फ्रेश वाटर, इट कैन बी मरीन वाटर। देन हमने देखना है मेसोफाइट्स, मॉडरेट प्लांट्स हैं, इनके पास ना तो पानी बहुत कम होता है ना पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दरमियाने लेवल पे। हैबिटेट इनकी क्या है, कहाँ रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इनको लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। देन अगर हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की, ज़ीरोफाइट्स क्या हैं, ड्राई प्लांट्स या जो खुश्की में रहते हैं, डेजर्ट्स एरिया में आपको नज़र आएंगे ज़्यादा ज़ीरोफाइट्स, यहाँ पे वाटर लेवल रिड्यूस होता है, बहुत कम पानी है जो इनको वहाँ पे नहीं मिलता, और हार्श कंडीशन में ये रहते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। अब हमने देखना है कि इन प्लांट्स में या तो बहुत ज़्यादा पानी है या दरमियाना है या तो बहुत कम है, खुश्की पे रहने वाले हैं। अब इन्होंने प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की है, चेंजिंग्स की है, अडेप्टेशंस की हैं टू कम्पीट विद अदर इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की तो इट हैज़ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मेसोफाइट्स की इट हैज़
सम अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो इन सब की अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं, अडेप्टेशन हैं, मोडिफिकेशन। अब हमने इनकी अडेप्टेशन को रीड करना है। हाइड्रोफाइट्स की अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो उसमें क्या है, इनके प्लांट्स में फ्लडेड विद वाटर्स है, कि मतलब इनके रूट्स में, शूट्स में या लीव्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। वट इज़ अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। फर्स्ट अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं कि इनके लीव्स जो है वो लार्ज लीव्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा, लार्ज लीव्स हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, लार्ज लीव्स हैं, दे मेड टू, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा और वाटर ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल आपके पास एक वैक्सी लेयर है जो क्या करती है, डेट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। इनमें क्या है, हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल इज प्रेजेंट बट वेरी थिन क्यूटिकल। नेक्स्ट इसकी अडेप्टेशन, जो थर्ड अडेप्टेशन है, स्टोमेटा ऑन अपर साइड प्रेजेंट। आपको जो इनके लीव्स में पोर्स नज़र आएंगे वो डेट इज कॉल स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स हैं जिसके जरिए थ्रू वाटर वेपोरेट। ये अपर साइड पे पोर्स नज़र आएंगे इनमें, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोफाइट्स की अडेप्टेशन के। मीजोफाइट्स प्लांट्स ने, ये मॉडरेट प्लांट्स थे, इनमें क्या है, वाटर ना ही बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था, तो इन्होंने अपने अंदर कौन सी अडेप्टेशन की हैं, अगर इनकी रूट्स ने पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व कर लिया है तो वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे, किस वजह से ओपन करेंगे, ताकि जो ज़्यादा पानी है वो वेपोरेट हो जाए। नेक्स्ट अगर इनके पास पानी कम है, तो ये स्टोमेटा को अपने क्लोज कर लेंगे। क्यों क्लोज करेंगे, ताकि ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो, रिड्यूस हो जाए। और इनकी एग्जाम्पल में आप देखते हैं रोज़ मैंगो के प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स की। ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स ड्राई प्लांट्स थे जो कि खुश्की में रहते थे, डेजर्ट से एरिया में आपको नज़र आएंगे, शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, हार्श कंडीशंस में रहते हैं। अडेप्टेशन की जब बात करते हैं तो उनमें, उनके अडेप्टेशन देखी जाए जो उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की हैं, वो उनके स्मॉल लीफ हैं। स्मॉल लीफ का मीन क्या है, कि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन का रेट कम है, जबकि हाइड्रोफाइट्स में क्या था, वहाँ पे उनके लीव्स लार्ज थे, वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा थी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लार्ज लीव्स होंगे और उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन इनमें स्मॉल लीफ है तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं थिक क्यूटिकल है। थिक क्यूटिकल का मीन कि वहाँ पर वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगी, वाटर वेपोरेटिंग होगा। नेक्स्ट स्टोमेटा इसकी लोअर साइड पे प्रेजेंट है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो सके। अगर इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो इसमें कैटस प्लांट्स आते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर लेते हैं, फॉल ऑफ कर लेते हैं। क्यों करते हैं शेड, ये फॉल ऑफ का मीन क्या है, कि अपने पत्तों को गिरा लेते हैं। क्यों गिराते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन ना हो सके, पत्ते गिरा लिए, लेकिन इनके पास ऐसी स्टेम्प होती है जो कि फोटोसिंथेटिक है, जिसके ज़रिए से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।